आदरणीय चौधरी साहब और हल्का फतेहाबाद सरसे के मौजूद व्यक्तिगण छात्रों व सीएलसी स्टाफ सभी का टेकचंद सेठी टोहाना की तरफ से राम राम नमस्कार जी। मैं आपको ये बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ कि मेरी पोती कशिश सीएलसी में पढ़ाई कर एम्स बठिंडा में इस समय एमबीबीएस कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सामान्य परिवार का बच्चा, मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा पोता या मेरी पोती एमबीबीएस का कोर्स करेगी, वो भी सरकारी कोटे में। मैं चौधरी साहब का सीएलसी की धरती का आदरमान करता हूँ, सलाम करता हूँ इनको कि जिन्होंने मेरे बच्चे को ऐसी ऐसी शिक्षा देकर इतने ऊंचे स्तर पर पहुँचाया। और इसके साथ साथ जो स्टाफगण है इतना बहुत प्यारा और बहुत मीठेपन से समझाते हैं, और यही चौधरी साहब स्टेज पर कहा करते थे, इतने बड़े आदमी होते हुए भी इनका खाना टिफिन में सीएलसी ऑफिस में आता है, क्या आप मान लेंगे बात? ये इनके वर्डिंग है, ये आता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट के मालिक होते हुए और 7-8 हजार बच्चे जहाँ पढ़ते हों और उस मालिक का खाना दोपहर का टिफिन में ऑफिस में आता हो, ये खुद रात को 12-12 एक एक बजे तक सभी बच्चों को और विशेष तौर पर लड़कियों को चेक करते हैं कहीं कोई ऐसी प्रकार की गड़बड़ ना हो जाए। और लड़कियां इतनी सुरक्षित है सीएलसी में, शायद ही हिंदुस्तान के वर्ल्ड में भी सुरक्षित नहीं हो पाएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मेरा पोता एक बार सीएलसी में गया था अपनी सिस्टर को मिलने के लिए और चौधरी साहब से सिर्फ आशीर्वाद ही लिया था। आज श्रीराम कॉलेज दिल्ली, जो कि इंडिया का के एशिया का टॉप का कॉलेज है, वहाँ स्टडी कर रहा है इनके आशीर्वाद से। मैं इनकी और कोई बुढ़ियाई नहीं मारना चाहता, ना ही मैं कभी स्टेज पर बोला हूँ, और कोई बोलने में गलती होगी हो तो माफ करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही। तो किशन आप माइक के पास रखें, आपकी बेटी सीकर में कहाँ रही, हॉस्टल में रही कि बाहर रही? हॉस्टल में रही थी जी, अभी बठिंडा एम्स में है, बठिंडा हॉस्टल में सरकारी कोटे में एम्स में। अभी साहब जो कह रहा था ना कि कॉलेज गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन, हम उन्हीं बच्चों काउंट करते हैं जिनका एडमिशन गवर्नमेंट सीट पे होता है। एक बार हमारे साथी का बहुत बहुत स्वागत, थैंक। एक सामान्य परिवार का बच्चा एक डॉक्टर एमबीबीएस बन जाए बिना किसी खर्चे के, ये सीएलसी की ही देन है। मैं सीएलसी की धरती को सादर आमंत्रित करता हूँ और सलाम करता हूँ जी।